गांव में एक पीटर रहता था। खेतों के बगल में उसकी एक बहन थी, उसके अलावा कोई नहीं था। एक दिन उसका मन किया कि जाके राजा को बेवकूफ बना के कुछ पैसे कमाया जाए। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? मैं पीटर हूँ, आपको बेवकूफ बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बेवकूफ बनाओ मुझे। लेकिन महाराज, बेवकूफ बनाने वाला सामान मेरे घर पे है, घर मेरा बहुत दूर है। ठीक है, मेरा घोड़ा लेके जाओ। ठीक है महाराज। इतने समय हो गए लेकिन पीटर वापस नहीं आया। हाँ, बहुत चालाक है वो, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ, पहरी, मेरा घोड़ा निकालो। उसके बाद घोड़े पे चढ़कर राजा चला गया पीटर के तलाश में। ढूंढते ढूंढते राजा पहुंचा पीटर के घर पे। पता है बहन, आज राजा का घोड़ा बेचकर बहुत इनकम हुआ है, उसी से मुर्गा लेके आया हूँ, आज पेट भर खाएंगे। भैया सर्वनाश हो गया, राजा हमारे घर की तरफ ही आ रहे हैं। सच में? एक आइडिया आया है, सुन मेरी बात। आप मत चिंता कीजिए भैया, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगी। ऐ धोखेबाज, क्या कर रहा है तू? जी चावल पका रहा हूँ। चावल बना रहा है? तो चूल्हा कहाँ है? ये तो एक टूटा हुआ सिलबट्टा है। जी हम लोग बहुत गरीब है, लकड़ी कहाँ से खरीदेंगे, इसीलिए एक सन्यासी ने मुझे ये सिलबट्टा दिया है। दो मंत्र सिखाए हैं, उसी से पकता है। ये सिल मुझे दे दे तो फिर मैं तेरा घोड़ा चुराया हुआ अपराध माफ कर दूँ। महाराज मैं गरीब इंसान हूँ, आप सिल ले लेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? दया कीजिए महाराज। ठीक है रोना धोना अब बंद करो, ये ले। क्या मैं बोलूं महाराज, जब अपमान नहीं रहे हैं तो ये लीजिए सिल और सीख लीजिए मंत्र। मंत्र बताओ। ओम ह्रीं क्रीं 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 समुदाय नमः। काली जादू बली सिल से मैं पुलाव पकाऊंगा और सबको खिलाऊंगा। ओम ब्रिंग क्रिंग ब्रिंग क्रिंग ओम चामुंडाई स्वाहा। ये क्या महाराज, देखते ही देखते 3 घंटा बीत गए, पुलाव पकना तो दूर की बात है, अभी तक पानी भी गर्म नहीं हुआ। महाराज पीटर फिर से आपको बेवकूफ बनाया। बार बार मुझे बेवकूफ बनाता है, सजा मिलेगा सेनापति। आदेश महाराज। पीटर को जाके एक लकड़ी के डब्बे में उसे बंद कर दो और उसे ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ। 3 दिन उसे वैसा ही रखना, भूखे मारे। जब वो छटपटाएगा तब उसे समुंदर में फेंक देना। राजा की बातों के अनुसार वैसा ही हुआ, लेकिन भगवान जिसे ना मारना चाहे तो उसे इंसान क्या मारेंगे। वैसे ही पीटर के साथ हुआ, बक्से से बाहर निकलने के लिए जोर जोर से गाना गाने लगा।
जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो 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 खोलो। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो इस बक्से को खोलो खोलो खोलो। भक्त एक विदेशी बनिया वहां से जा रहा था। पीटर की आवाज सुनकर उसे बाहर निकाला और उससे कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इसीलिए इस बक्से में बैठा हूँ। आज रात में देवदूत आके मुझे स्वर्ग ले जाएंगे। बेटा, मैं 100 साल का बूढ़ा हूँ, स्वर्ग जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी मौत नहीं होती। तुम तो अभी जवान हो, तुम क्यों मरना चाहते हो? मेरा जायदाद ले लो, बदले में मुझे जाने दो। पीटर उस बूढ़े व्यक्ति की बात मान गया, जाके बक्से में बैठ गया बूढ़ा। रात के अंधेरे में राजा के सैनिक उस बक्से को समुंदर में फेंक दिए। उस बूढ़े बनिया की संपत्ति से पीटर और उसकी बहन राजा रानियों जैसे रहने लगे और राजा स्वयं उन लोगों की इज्जत करने लगा। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कब से मैं इस दरवाजे को खोल रहा हूँ? तुम फिजूल कोशिश कर रहे हो। मैं किचन रूम में ताला लगा दिया हूँ, दरवाजा नहीं खुलेगा। फूफा जी? नहीं फूफा जी, मैं दरवाजा को खींचकर देख रहा था कि सही से बंद है कि नहीं। सच में? क्या इसका मतलब अभी तुझे भूख नहीं लगा है? ठीक है, तो फिर एक्सरसाइज कर ले। जा, इस रस्सी को लेकर बाहर जाकर एक्सरसाइज कर ले। ठीक है, जा रहा हूँ। कैवा बुंदा, तुम इस रस्सी को लेकर कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? देख बिरजू, फूफा जी मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोले हैं। रुको बुंदा, मैं भी तुम्हारे साथ रस्सी लेकर एक्सरसाइज करूँगा। और हाँ, मिल गया मुझे रस्सी। जा जल्दी लेकर आ। एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है बिरजू। हाँ बुंदा, एक्सरसाइज करना बहुत झंझट है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बिरजू। चल उस हंदा के साथ एक खेल खेलते हैं। हाँ चलो, बुला बुला हंदा को। ओए हंदा, तू हम दोनों के साथ रस्सी खींचने वाला खेल खेलेगा, लेकिन लेकिन तू हार जाएगा हम दोनों से। सच में? क्या बोला? चल तो बोला। खींच खींच बिरजू, खींच खींच जोर से, खींच 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 जोर से खींच। बोला पकड़ कर रखना, खींचो तेज और तेज। खींचो खींचो, जोर लगा कर खींचो। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है बोला, मैं जब तुझे बोलूंगा तो तू जोर से खींचना। अब तुम लोगों को समझ आएगा। बोलू बोलू, जो जोर से खींच। बुंदा, तू देखने में सिर्फ मोटा है, लेकिन तेरे में हिम्मत नहीं है। क्यों मेरे साथ लड़ने आता है तू? ओए बिरजू, हंदा के साथ रस्सी खींचने में हार गया, लेकिन एक नया आइडिया आया है। कुछ ही देर बाद हंदा घर जाएगा, तभी हम लोग उसके साथ। हाँ बुंदा, वो ऐसे हम दोनों को हरा दिया, इसका बदला तो हम दोनों को लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जरूर लेंगे बदला उससे। चल चल हंदा के पास चल।
गया हंदा, एक और बार खेलेगा तू? उस टाइम तो भुला के वजह से जीत गया है तू। चल भुलू, अब और तेज से गिरेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है हंदा, ठीक है ठीक है, मैं हूँ तेरे साथ। तो फिर चल रस्सी खींच भोलू, चल जोर से खींच। ये कुछ कर दिखा, तू हमें फिर से हरा पाएगा कि नहीं? हाँ, ये क्या, ये तो दरवाजा निकल आया। ये मोहनदा, तू ये ठीक नहीं किया है। दो रस्सी बंध कर मैं किचन रूम के दरवाजे से बांध दिया था और तुझे पता भी नहीं चला। फुफा जी मेरे वजह से किचन रूम में ताला लगा दिए थे। ये क्या, मेरे किचन रूम का दरवाजा कैसे टूट गया? तुम दोनों में से कौन तोड़ा है बताओ? फुफा जी, ये हंदा ने तोड़ा ये दरवाजा। ये किचन रूम के दरवाजे में रस्सी बांध कर खींच कर तोड़ दिया। देखिए उसका हाथ में रस्सी है। शैतान लड़के, दरवाजा तोड़ कर खाना चोरी करना चाहता था? तेरा इतना हिम्मत, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। खाना चोरी करना चाहता है तो पीट पीट कर तेरा हड्डी पतली कर दूंगा मैं आज। मारेंगे फूफा जी, यहाँ से भागो भागो भागो। मैं कह रहा हूँ रुक जा हंदा, तू रुक जा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ तू रुक जा हंदा, तू रुक जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भागेगा तू कहाँ तक भागेगा? मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ, भाग तू कहाँ तक भागेगा? गोपाल, बताऊं तो तुम क्या महाएकांसी करते हो? हाँ, मैं अपने पिता के मृत्यु के बाद से करता था और अभी भी करता हूँ। पहले मैं शास्त्रीय मत से करता था, अब मैं अच्छा खाने पीने के लिए करता हूँ। बतासी बेटा, जल्दी से चावल धो के लाना। ला रही हूँ। क्या लक्ष्मी, खाना बना के नहीं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बनी चुका है, आप नहा के आइए, तब तक तैयार हो जाएगा खाना। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। अरे बतासी, इस समय तो स्वामी को देखते हैं कि दिन रात पूरी तरकारी और मिठाइयाँ बड़े मजे ले लेकर के खा रहे हैं। ये क्या, आप नहीं जानते हैं, आज एकादशी है, मालिक का आज व्रत है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तब तो मैं अब इस बार से स्वामी की तरह महा एकादशी करूँगा और खूब मजे। नकुल, ए नकुल आ खाना खा ले। ए नकुल आ खाना खा ले आके आ। हाँ मालकिन, दीजिए तो। ले ये ले, खा ले खाना। क्या हुआ नकुल, तू अचानक यह सब खाना खा रहा है? आपको देखकर नकुल भी एकादशी का व्रत रखा है। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एकादशी सबको करना चाहिए। कारण यह है कि एकादशी करने से सुख और शांति दोनों ही मिलते हैं। मुझे मालूम है तू एकादशी क्यों किया है, मेरे साथ साथ मिठाई पूरी खाने के लिए रुक, तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ले खा, ठीक से खा, पेट भर के खा। लक्ष्मी, इसे दो तीन पूरी और दो। हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ।
क्या रे बतासी, कब मैदा गुथोगी? हमें तो बहुत भूख लगी है जी। आज मैदा नहीं गूंदूंगी, आप पूरी मिठाई नहीं खा पाइएगा। क्यों क्यों? सुनी हूँ आज महा एकादशी है इसीलिए। यह कैसी बात है, ये कैसा जोग है? लगता है मालिक से मुझे बात करनी होगी। मालिक मालिक, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मालिक, आप तो प्रति एकादशी को पूरी तरकारी मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन अभी तक तो आप कुछ नहीं खाए। आज जैसा तैसा एकादशी नहीं है, आज महा एकादशी है। आज निर्जल उपवास रहना पड़ता है, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। छी छी छी, यह क्या बात है? मैं सोचा था एकादशी करूँगा, लेकिन यह तो गड़बड़ हो गया। अब मैं कान पकड़ता हूँ, जीवन में कभी एकादशी नहीं करूँगा। आज बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है, जिंदगी में कभी भूल कर भी पूरी मिठाई खाने के लालच में एकादशी करने का नाटक नहीं करेगा। बहुत साल पहले मिथिला नगर में एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम हीरक था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और न ही उसके पास कोई जमीन जायदाद थी। वह बहुत गरीब था। गांव के लोगों के सहायता से वो अपना जीवन व्यतीत करता था। नहीं नहीं, इस तरह से मांग मांग कर खाने में अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? हाँ, अरे वहाँ कौन रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत दुख की बात है, आओ आओ मेरे साथ आओ। प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव वह हीरक, वह चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है गुरुदेव, ये अनाथ है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आज से तुम इसी आश्रम में रहना, मेरे और शिष्यों के साथ तुम भी विद्या अध्ययन करो वत्स। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मुझे बुलाए हैं। लोभ और भोग से हमेशा दूर रहना, हमेशा त्याग के पद पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। सच्चे मन से विद्या अध्ययन करो। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। गुरु जब उपस्थित नहीं थे, तब एक दिन सुबह घाट पर स्नान करते समय। अरे ये क्या, ये कैसे फटा? अरे ये इसी शैतान का काम है, इसका तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। आज से मैं बिल्ली पालूंगा, वो बिल्ली ही मेरे वस्त्र की रखवाली करेगी। क्यों हीरक, बिल्ली पाले हो क्या? हाँ दोस्त। लेकिन दोस्त, उस बिल्ली को क्या खिलाओगे सोचे हो? कितना कुछ दे रहा हूँ पर कुछ नहीं खा रही है ये बिल्ली। हाँ उसे एक कटोरी दूध दो, तब जाकर वो पिएगी। हाँ अब एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। हाँ कल ही बाजार से एक गाय खरीद कर लाऊंगा। लेकिन उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई। गाय पालने से उसके भी तो खाने का बंदोबस्त करना होगा, इसीलिए फिर से चिंता में पड़ गया हीरक। गाय को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? हा? सही से अगर उसे नहीं खिलाया तो वो दूध कहाँ से देगी? हाँ तो और समस्या हो जाएगी, अब लग रहा है चास करनी पड़ेगी। हाँ खाने की समस्या भी दूर होगी। हे चल हट 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 चल 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 हट हट। बहुत परिश्रम करने के बाद फसल उगाया हूँ, अब जाकर देखता हूँ फसल कैसा हुआ है। Thank you.
अरे ये तो सोने जैसा फसल उगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस जमीन की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। ऐसे एक व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ ही साथ गाय और मेरे बिल्ली को भी देखेगा और मेरे घर में रहेगा। अरे ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। ओ शादी? उसके बाद देखते देखते हीरक के शादी के 1 साल बीत गए। गुरुदेव हिमालय की तपस्या करके अपने आश्रम में वापस आए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे, कौन हो बेटी तुम? गुरुदेव ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? तुम्हें मैं कहा था कि लोभ भोग से हमेशा दूर रहना, और तुम विवाह कर लिए हो, संसार बसा लिए हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, और कोई रास्ता नहीं था। महाराज, गुरुदेव हीरक के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी दिए थे और वो उसका उल्लंघन करके अपना संसार बसा लिया। इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य हीरक को सजा क्यों नहीं दिए महाराज? उसकी बात सुनकर गुरुदेव क्यों हंसने लगे? पैताल, जीवन से भागना, आत्महत्या करना, जीवन के साथ लड़कर बचे रहना, गुरुदेव इसलिए हंसे थे। वो समझ गए थे कि उनकी शिक्षा विफल नहीं हुई, इसलिए अब मैं चला महाराज। Ha 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 ha!